नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में और हम लोग आए हैं आईफिल टावर को देखने के लिए। आईफिल टावर को 31 मार्च 1889 को बनाया गया था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को 100 साल पूरे हुए थे। फ्रांस ने इस मौके पर एक वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया था और इस वर्ल्ड फेयर के गेट के रूप में आईफिल टावर को बनाया गया था। आईफिल टावर जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले मोन्यूमेंट्स में एक है और इसे हर साल 7 लाख लोग विजिट करते हैं। इसे बनाने में 2 साल 2 महीने और 5 दिन का समय लगा था। फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव आईफिल के नाम पर से आईफिल टावर का नाम रखा गया है। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं आईफिल टावर जाने के लिए, इसलिए आधे लोग तो जो है वो निंद्राधीन ही हैं। ये देख लीजिए, हमारी पत्नी को ये झपकियाँ मार रही हैं, ये काकी को देखिए, काकी भी सो रही हैं। ये आ गए हम टावर के नीचे और हम लोगों ने एक ग्रुप टूर बुक किया है, जिसमें जो कि गाइड है वो हम लोगों को सारी चीज़ें बताएगा और हम लोगों को गाइड के साथ रहना है, लेकिन ऐसा शायद हम कर नहीं पाएंगे। आदि भाई एज यूजुअल अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और हम लोग खड़े हैं क्यू में, एलिवेटर की क्यू में, जो कि हमें ऊपर तक ले जाएगी। मौसम सुबह से ओवरकास्ट है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, मौसम जो है वो प्लेजेंट है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं आईफिल टावर के, इन चारों पिलर्स में लिफ्ट लगी हुई है जो ऊपर ले जाती है लोगों को। ये जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, जो वो हम लोगों को सेकेंड फ्लोर तक ले जाएगा और उसके बाद टॉप फ्लोर पे ले जाएगा। जो सेकेंड फ्लोर है उसकी हाइट 377 फीट है और जो टॉप फ्लोर है उसकी हाइट 906 फीट है। क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर है भाई। इसका टोटल वेट जो है वो 10,100 टन है और इसको बनाने के लिए 7,300 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है और इसे हर 7 साल पे कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि इसमें जंग ना लगे। ये लिफ्ट स्टार्ट हो गई जो हमें सेकेंड फ्लोर तक ले जाएगी पहले, और उसके बाद सेकेंड फ्लोर से हम लोग टॉप फ्लोर तक जाएंगे। हम लोग इस समय हैं आईफिल टावर के सेकेंड फ्लोर पे और पेरिस ऐसा दिखता है आईफिल टावर के सेकेंड फ्लोर पर से। ये जो व्यू है ये सेकेंड फ्लोर का व्यू है। और अब हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे। ये हम लोग लिफ्ट में यहाँ पे बैठ गए हैं। ये आ गए टॉप फ्लोर पे, लेकिन भाई यहाँ पे हवा ज़बरदस्त चल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपको देखने का तो बहुत मन करता है बाहर, लेकिन जो हवा है वो आपको वहाँ पे रहने नहीं देती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज।
और ऊपर से तो सिटी और भी छोटा नज़र आता है एकदम, मतलब कि जो टॉय सिटी होता है इस तरह का नज़र आता है, बिल्डिंग्स एकदम छोटी और सब कुछ बहुत छोटा दिखाई देता है ऊपर से। आदि को 1 यूरो चाहिए क्योंकि वो टावर पे लगी हुई दूरबीन में से कुछ देखना चाहता है सिटी में, पता नहीं, इसलिए बोल रहा है कि 1 यूरो दो तो मैं उसमें डाल के उस दूरबीन से सिटी में कुछ देखता हूँ नीचे वो जमीन पर कैसा दिखता है सब कुछ। का हो बबुआ, कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिया? डाल तो दिए इसमें पैसे देखने के लिए और कुछ देखने की ट्राई भी कर रहे हैं आदि भाई, पता नहीं इन्होंने क्या देखा। ठंड हो या बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन टूरिस्ट से ये हमेशा भरा होता है। आप देख लो यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं अभी इस समय में, ये पूरा भरा हुआ है, पैक है यहाँ पे, लगभग जगह नहीं है मतलब खड़े रहने के लिए यहाँ पे, इतने ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं एक समय में। मैं यहाँ पूजा को ढूंढ रहा हूँ लेकिन पूजा शायद ठंड के चलते अंदर चली गई है केबिन में, वो जो केबिन बना हुआ है बगल में उसके अंदर चली गई है। और इसको मैं पकड़ के बाहर लाया कि चल यहाँ पे हम लोग केबिन में बैठने के लिए नहीं आए हैं, बाहर देखते हैं। और यहाँ हम आ गए नीचे, अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि आज टिमसिका की का बर्थडे भी है, इसलिए हम लोगों ने पेरिस के एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जिसका नाम ताजमहल है उसमें एक टेबल बुक करवाया है हम सभी ने और वहाँ जाके हम लोग खाना खाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी उबर का, हम लोगों ने 2 उबर बुक करवाई है जिसमें से एक उबर आ गई है और दूसरी उबर आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। भैया जो ये रात को दिखता है ना आईफिल टावर, ये गजब है, मतलब कि 20,000 बल्ब इसमें लगे हुए हैं और एक साथ जलते हैं और बंद होते हैं, ये जो नज़ारा है ना वो अद्भुत है दोस्तों, मतलब देख के आपका दिल खुश हो जाता है ये देख के। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।